इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट, राशिफल साप्ताहिक राशिफल लेके आया हूँ जो कि 16/7/2018 से लेकर 23/7/2018 तक का है। पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले का ये सप्ताह जो चंद्रमा है सिंह राशि में रहेगा, संचार करेगा। सोमवार मंगलवार सिंह राशि में रहेगा क्योंकि वहाँ शुक्र बैठा है, तो इनको माइंड हैप्पीनेस फील होगा, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट या मूवी देख सकते हैं बच्चों के साथ मिलके। बुधवार वीरवार को यही चंद्रमा इनका छठे भाव में जाएगा कन्या राशि में, तो चौथे घर का जो स्वामी है वो छठे घर में जब जाता है, छठा घर जो हमारा रोग शत्रु भाव का होता है, तो कहीं ना कहीं से जो कर्जा लिया हुआ है इनको प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी किस्त टाइम पे दें, वो ड्यू होने वाली है इनकी। और दूसरी बात यह है कि कहीं की र्यूमरस खबर इनका मन परेशान कर सकती है, किसी की उल्टी सीधी बातों में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि चौथा घर हमारा हॉस्पिटल पीस ऑफ माइंड का होता है, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करेगा कोई ना कोई। और बुध वीर शुक्र को जब यही चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी योग बनाएगा 7th हाउस में, पत्नी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, पत्नी की बात सुनेंगे, पत्नी के साथ मैचिंग बनी रहेगी, पत्नी के साथ घूमने भी जा सकते हैं, पत्नी की स्पेशल एडवाइस भी लेंगे। उधर से बुध की स्थिति कर्क राशि में बनी हुई है चौथे भाव में, तो कोई ना कोई अगर जो लोग गाड़ी कार वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए समय शुभ है। मेष राशि वालों का बृहस्पति मार्गी हो गया जिसकी वजह से इनको काफ़ी फायदा मिलने वाला है, तो ये सप्ताह इनका काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों का जो है चंद्रमा वो सिंह राशि में चौथे घर में आया हुआ है जिसकी वजह से इनको कहीं से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जुड़े हुए हैं कार्य में, वहाँ उनकी जो डील रुकी पड़ी है, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं से डील प्राप्ति होगी, कोई ना कोई ग्राहक इनको मिलेगा, कोई ना कोई फ्लैट बेच सकते हैं, लैंड का सौदा कर सकते हैं। चंद्रमा यही जब बुधवार को 5th हाउस में जाएगा तो गेंद को देखेगा, तो जो प्रॉपर्टी द्वारा जो इनका लाभ और जो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में जुड़े हुए हैं उनसे काफ़ी लाभ होने की संभावना है। जो शेयर्स इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बैंकिंग में लगाए हैं जिन लोगों ने, उनको काफ़ी ये शेयर में फ़ायदा मिलेगा। अब यही चंद्रमा जब शुक्रवार को छठे भाव में जाएगा तुला राशि में, गुरु के साथ बैठेगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं से इनको कंपटीशन में विजय प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी कंपटीशन वगैरह में तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, कोई IAS टॉपर है या दूसरी चीज़ों के, उसमें काफ़ी फायदा देगा यही चंद्रमा। गज केसरी योग छठे भाव में बनेगा, कहीं से शुभ समाचार इंटरव्यू की कॉल आ सकती है इनको। उधर से गुरु की स्थिति छठे भाव में मार्गी हो चुकी है, तो बृहस्पति अब इनके लिए फौरन की यात्रा लेके आया है और व्यापार में भी वृद्धि दिखा रहा है, इनको कहीं से ऑर्डर मिल सकते हैं, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। ये सप्ताह वृष राशियों के लिए कुशल मंगल है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का जो सूर्य है वो 2nd हाउस कर्क राशि में कल एंटर कर जाएगा राहु के साथ, तो इनको वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अब दूसरी बात ये करते हैं कि चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में तीसरे भाव में शुक्र के साथ बनी है, कहीं से मित्रों से शुभ समाचार मिल सकता है, मित्र इनको घुमाने ले जाएंगे। बुधवार को यही चंद्रमा की स्थिति जब चौथे गांव में जाएगी तो कोई ना कोई जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो गाड़ी की डील इनकी पक्की हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी में कोई सेल परचेज करना चाहते हैं तो डील होने की संभावना है। अब यही चंद्रमा जब शुक्रवार को गुरु के साथ बैठेगा 5th हाउस में, तो गज केसरी योग बनाया जाएगा जहाँ पर गेंद्स को देखेगा, तो अचानक से इनको कार्यक्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, जॉब प्रमोशन के चांस मिलेंगे और
कहीं ना कहीं जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो उनकी पेमेंट्स अगर फंसी हुई है तो वो आ जाएगी। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कार्य कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, उनको फ़ौरन से इस समय धन आने की संभावना बढ़ी है। तो कुल मिला के ये सप्ताह काफ़ी अच्छा मिल निकलने वाला है। गुरु की स्थिति जो इनकी है वो फिफ्थ हाउस में शुभ बनी हुई है। बच्चों की जो संतान की तरफ से कहीं ना कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। सत्नार जो विदेश में पड़ी हुई पढ़ने की हुई है, वहाँ पे इनको कोई ना कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है फ़ौरन से। जो बच्चे कंसंट्रेट ऑफ माइंड होकर पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से रिगार्ड्स वगैरह मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का जो सप्ताह है वो सेकंड हाउस में चंद्रमा के आने से इनको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनकी जो पेमेंट कई टर्म से रुकी हुई है तो अब इनके पास पैसा आने की बहुत संभावना बढ़ रही है, क्योंकि सूर्य भी 16 तारीख को कर्क राशि में लग्न में आ जाएगा। तो लग्न में 3 ग्रहों का जमावड़ा होने से बस इनको क्या करना है कि कहीं पर भी कोई ना शॉर्टकट ना अपनाए तो अच्छा है, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है तो शॉर्ट जो शेयर मार्केट वगैरह में स्पेकुलेशंस में डील कर रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, नहीं तो राहु यही पटका मारेगा। तो राहु की स्थिति अभी भी शुभ बनी हुई है, लेकिन 2 ग्रह जो है वो शुभ स्थिति में बुध और सूर्य, सूर्यादित्य लग्न में बन रहा है। उधर से चंद्रमा की स्थिति बुधवार को जब तीसरे भाव में जाएगी तो भाग्य को देखेगा, तो अचानक से इनका भाग्य चमकेगा, जो काम रुके हुए हैं वो अचानक से बन जाएंगे। जो लोग कर्क राशि वाले प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनका टाइम शुभ है, गुरु मार्गी हो चुका है, ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं। शनि ऑलरेडी वक्री चल रहा है छठे भाव में, तो जो लोग कोर्ट कचहरी के केस में जुड़े हुए हैं उनको धन आने की संभावना काफ़ी मिल रही है। तो कुल मिला के ये कर्क राशि वालों का सप्ताह अच्छा मिला। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की बात करें अगर, तो चंद्रमा मंगलवार तक लगन में संचार कर रहा है शुक्र के साथ। जो लोग घूमने गए हैं, एंटरटेनमेंट फैमिली के साथ करने गए हैं, उनको काफ़ी अच्छा ट्रिप रहेगा, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। बुध क्योंकि इनका बाहर में घर में चल रहा है तो फैमिली के साथ खर्चा वर्चा बता रहा है कुटुंब भाव में। गुरु की स्थिति तीसरे भाव में मार्गी हो चुकी है, अचानक से कहीं से इनको समाचार शुभ मिल सकता है, जॉब प्रमोशन, और पत्नी के द्वारा कहीं से काम की प्राप्ति हो सकती है, पत्नी को शुभ समाचार देगी। मंगल केतु की छठे भाव में दृष्टि युति होने से इनको चोट दुर्घटना के चांस बने हुए हैं, बड़े ध्यानपूर्वक ड्राइविंग करें, कोई आगजनी दुर्घटना हो सकती है। इस समय मंगल काफ़ी उग्र रूप लेके बैठा हुआ है क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है। सूर्य की स्थिति कल से वेब खाने में चली जाएगी कर्क राशि की, तो अचानक से कहीं से इनको खर्चा इनका इस सप्ताह निकलने वाला है। चंद्रमा की स्थिति शुभ होने वाली है, सेकंड हाउस में जाएगा बुधवार को, अचानक से विदेश से जो जुड़े हुए हैं धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कुल मिला के कर्क सिंह राशि वालों का भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा निकलने वाला। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का जो चंद्रमा है वो लाभ 12वें भाव में विदेश में आया हुआ है। जो लोग विदेश के साथ संपर्क करके काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी MNC या आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उनको धन लाभ होने की संभावना बन रही है। कहीं पे छोटी यात्रा के ट्रिप पे जा सकते हैं, टाइम शुभ है जाने के लिए, शुक्रवार में घर में है, एंटरटेनमेंट का टाइम चल रहा है। उधर से गुरु की स्थिति कुटुंब भाव में शुभ बनी हुई है, कुटुंब भाव में कोई परिवार फंक्शन हो सकता है, कहीं से गेट टू गेट सेलिब्रेशन हो सकता है, कुटुंब भाव से कोई ना कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। चंद्रमा की स्थिति वही बुधवार को जब लग्न में आएगी तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी 11वें भाव का चंद्र लग्न में आने से एकदम से लाभ देता है। चंद्रमा की स्थिति जब शुक्रवार को गुरु के साथ सेकंड हाउस में कुटुंब भाव में और धन के क्षेत्र में जाएगी तो इनको अचानक से कहीं से धन रुकी पेमेंट आ सकती है। जो लोग कम्युनिकेशन, मोबाइल्स, IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको धन इस सप्ताह होने की संभावना है, बन रही है। यह सप्ताह काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो इनका जो चंद्रमा है वो समय शुक्र के साथ लाभ भाव में आया हुआ है, तो इनको व्यापार से धन लाभ होने की संभावना है। जो लोग कपड़े के काम में, परफ्यूम इंडस्ट्री, खाने पीने की, दूध के काम में, पनीर के काम में जुड़े हुए हैं उनको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग मिठाई के काम से जुड़े हैं उनको भी धन की प्राप्ति की संभावना बन रही है।
शुक्र इनका लाभा में है तो सेहत में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाएगा अब। और उधर से गुरु इनका मार्गी हो चुका है, गुरु जो है इनका लगन में बैठा है, तो अचानक से इनको धन की प्राप्ति होगी, कहीं से जॉब प्रमोशन के चांस बनते हैं। चंद्रमा की स्थिति जब 12वें घर में बुधवार को जाएगी, अचानक से यात्रा आ सकती है, कहीं ना बिजनेस ट्रिप या कहीं से जॉब वाले हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं ऑफिशियल काम से, तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखें, खाने पीने का परहेज रखें, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा जब शुक्रवार को लगन में ज्योति करेगा तो इनको गज केसरी योग लगन में होगा, तो इनकी अप्रिसिएशन होगी कि काम की बड़ी प्रशंसा होगी, बॉस खुश रहेंगे। तो कुल मिला के ये सप्ताह तुला राशि वालों का अच्छा निकला है। बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि वालों का चंद्रमा जो है वो 10th हाउस में आया हुआ है व्यापार भाव में शुक्र के साथ, अचानक से बिजनेस में प्रमोशन नहीं, ऑर्डर नहीं, हाइट नहीं, ऊंचाई मिलेगी। बुधवार को यही चंद्रमा जब लाभ भाव में जाएगा तो अचानक से पेमेंटें जो रुकी पड़ी हैं वो आ जाएगी, तो शुक्र की स्थिति बड़ी शुभ बनी हुई है, कहीं मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं। आजकल संजू मूवी चल रही है अच्छी, तो देख के आइए फैमिली के साथ। तो स्कॉर्पियो राशि वालों का टाइम शुभ हो चुका है, क्योंकि जो गुरु है बृहस्पति वो अब टूवर्ड्स इनके लगन में जाने वाला है। सितंबर से गुरु की स्थिति बहुत शुभ होने वाली है। गुरु की शुभ स्थिति होने से इनको काफ़ी पत्नी के साथ, बच्चों से और व्यापार में भी वृद्धि आने वाले टाइम पे दिखा रहा है। चंद्रमा की यही स्थिति जब कन्या राशि में बुधवार को जाएगी तो अचानक से धन प्राप्त होगा, जो यही स्थिति शुक्रवार को जब चंद्रमा की गुरु के साथ 12वें भर जाएगी तो ये यात्रा पर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। सप्ताह बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए। धनुराशि, धनुराशि का जो चंद्रमा है वो नवम भाव में आया हुआ है। नवम भाव में चंद्रमा शुक्र के साथ बढ़ने से तो अचानक से धन भाग्य में वृद्धि करेगा, कहीं ना कहीं से इनका भाग्य जो रुका पड़ा है कई काफ़ी टाइम से वो अचानक से काम जो रुका पड़ा था वो पूरा हो जाएगा। शुक्र की स्थिति शुभ बनी हुई है, शुक्र इनका भाग्य में आया हुआ है, लाभ भाव का स्वामी शुक्र भाग्य में आया है, तो लाभ की स्थिति दिखा रहा है इस समय। मंगल केतु की सेकंड हाउस में उच्च में बैठे हुए हैं, तो अचानक से प्रॉपर्टी में धन की प्राप्ति हो सकती है धनुराशि वालों के। शनि की स्थिति लगन में थोड़ी सी आलस वाली बनी हुई है, आलस ना करें, आलस तोड़ के सवेरे जल्दी उठें, योगा प्राणायाम करें और अपने काम पे चलें। राहु बुध की स्थिति अष्टम में बनी हुई है, थोड़ा सा कोल्ड कफ नज़ला जुकाम इनको हो सकता है, सेहत का प्रति ध्यान पूर्वक काम करें, खाने पीने का परहेज रखें, कोई हैवी डाइट ना खाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी इनका अष्टम में आ गया है तो बुखार होने की इस समय संभावना उत्पन्न कर रहा है धनुराशि वाले की, तो ये सप्ताह थोड़ा सा इनको प्रिकॉशन लेने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का जो चंद्रमा है वो अष्टम में आया हुआ है, थोड़ा सा हेल्थ के प्रति ठीक नहीं है। बुधवार को ये चंद्रमा यहाँ से निकल जाएगा तब इनकी सेहत में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि साढ़ 37 का फेस 12th हाउस में चल रहा है, तो अचानक से कहीं से खर्चा निकल सकते हैं। ट्रैवलिंग, मोबाइल्स वगैरह अगर लेके पर्स वगैरह जा रहे हैं तो ध्यान रखें, चोरी होने की संभावना बनती है। तो मकर राशि वालों का थोड़ा सा टाइम मेलेफिक चल रहा है, क्योंकि शनि की स्थिति शुभ ना होने की वजह से इनको थोड़ी सी बॉडी में आलस और काम पर प्रति मन न लगना, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। शनि के लिए उपाय कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान शनिवार को और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति जब ये कन्या राशि में बुधवार को जाएगी तो अचानक से भाग्य में वृद्धि करेगा, 7वें घर का लॉर्ड पत्नी से इनको कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। यही स्थिति शुक्रवार को जब गुरु के साथ जाएगी तो रोजगार में भी वृद्धि कराएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का जो चंद्रमा है 7th हाउस में आया हुआ है पत्नी भाव में, तो इस समय पत्नी के साथ ट्यूनिंग बहुत बना के चल रहा है, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी 7th हाउस में, पत्नी के साथ इनकी बहुत मैचिंग दिखा रहा है, पत्नी से शुभ समाचार मिलेगा, पत्नी इनकी सपोर्टिव रहेगी हर काम में। और जो मंगल की स्थिति 12वें घर में खर्चे में बनी हुई है, खर्चे इनके सिरे चढ़े रहेंगे, खर्चों में ये कमी नहीं ला सकते केतु के साथ। और गुरु की स्थिति बहुत शुभ बनी हुई है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का अब व्यापार बहुत चमकने वाला है, क्योंकि यही गुरु अब मार्गी हो चुका है और टूवर्ड्स स्कॉर्पियो राशि में 10th हाउस में जाने वाला है। चंद्रमा की स्थिति बुधवार को थोड़ी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो अष्टम में जाने वाला है। बुधवार वीरवार को थोड़ा सा इनको अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, इम्यून सिस्टम बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि नींद कम आने से इनको बीमारियाँ आ सकती हैं। वही शुक्रवार को जब इनका गुरु चंद्रमा के साथ मिलाप करेगा तो अचानक से भाग्य में वृद्धि करेगा और धन की प्राप्ति करेगा, तो सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज अच्छा सप्ताह है। मीन राशि, मीन राशि वाले का जो चंद्रमा है
वो सिक्स हाउस में गया हुआ है, जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, सिक्स हाउस में जाने से बच्चों की सेहत में थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ रहा है। बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए, बच्चों को पानी की चीज़ों से दूर रखिए, पानी बारिश वगैरह से भीगने से बचाइए। यही चंद्रमा जब सेवन्थ हाउस में बुधवार को जाएगा तो अचानक से पति के साथ घूमने जा सकते हैं, कहीं आउटिंग, खाने पीने का प्रोग्राम बनाएंगे। गुरु की स्थिति अष्टम में मार्गी हो चुकी है, अब इनकी सेहत में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। सितंबर के बाद सेहत में भी काफ़ी फायदा मिलने वाला। चंद्रमा की स्थिति जो शुक्रवार को अष्टम में जाएगी तो अचानक से इनकी हेल्थ में फिर दोबारा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये सप्ताह इनकी हेल्थ के लिए सीखनी है। तो ये था साप्ताहिक फल। दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।